नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप आपका रूफटॉप गार्डन दोस्त एक बार फिर से आप सभी को मेरे चैनल पे स्वागत करता हूँ। दोस्तों अभी तो अप्रैल का महीना चल रहा है और आज के वीडियो में मैं ऐसा कुछ प्लांट्स के बारे में आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ जो इस तेज़ गर्मी में भी आपके गार्डन को रंग बिरंगी फूलों से भर देगा। ऐसे कुछ 15 प्लांट्स के बारे में आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखिए, वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर कीजिए और अगर आपके मन में और भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट्स कीजिए, उसके आंसर मैं आप लोगों के साथ शेयर जरूर करूँगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहले जो प्लांट आप देख पा रहे हो ये है रजनीगंधा, जिसे हम लोग ट्यूब रोज के नाम से भी जानते हैं। इसका तो हार्ड स्टेम नहीं होता है और एक प्लांट अगर आप लेके लगा दो तो एक प्लांट से बहुत सारे प्लांट्स बन जाते हैं और जो फूल खिलते हैं फूलों से धीमी धीमी सी खुशबू भी निकलता है। एक नया स्टिक निकलता है, स्टिक में बहुत सारे फ्लावरिंग होते हैं। ये प्लांट साल में 3 से 4 बार तक फ्लावरिंग करता है। अगर आप पॉट में लगाते हो तो इसको थोड़ी सी बड़े पॉट पे लगाइए, क्योंकि एक ही प्लांट से बहुत सारे प्लांट बन जाता है। और अगर आप छोटे पॉट पे लगाते हो तो साल में एक बार इसको रिपोर्ट करना ज़रूरी है और बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है, पेस्ट का अटैक इसमें होता नहीं है। दोस्तों नेक्स्ट जो प्लांट है ये है बोगनवेलिया, बहुत ही लो केयरिंग प्लांट है, कटिंग से बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाने वाले प्लांट है। इसके ये बहुत सारे कलर्स पे आते हैं और पूरे साल भर ही फ्लावरिंग करता है। बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है, खाद का इस्तेमाल इसमें बहुत ही कम करना पड़ता है और ये पेस्ट फ्री प्लांट भी है। आप इसको साल के किसी भी समय कटिंग लगा सकते हो, कटिंग आप इसको सैंड में भी लगा सकते हो और सॉइल पे भी लगा सकते हो। सीड से ये प्लांट ग्रो नहीं होते हैं और पूरे सनलाइट पे रहने वाला ये प्लांट है। हालांकि इसके फ्लावर से खुशबू तो नहीं निकलते हैं और इसके जो स्टेम होते हैं उसमें कांटे होते हैं। छोटे से छोटे पॉट पे ये ग्रो हो सकते हैं और फ्लावरिंग कर सकता है, लेकिन 10 से 12 इंच के पॉट पे अच्छे खासे फ्लावरिंग होंगे। दोस्तों ये प्लांट बहुत ही आसानी से बॉन्साई के रूप ले लेते हैं, तो अगर आप बॉन्साई बनाना चाहते हो तो ये प्लांट आइडियल है आपके बॉन्साई बनाने के लिए। नेक्स्ट जो प्लांट आप देख पा रहे हो ये है प्लूमेरिया के एक वेराइटी, प्लूमेरिया एल्बा। तो फुल सनलाइट पे रहने वाला एक प्लांट है, इसे किसी प्रकार पेस्ट का अटैक होता नहीं है और जो फ्लावरिंग है बहुत दिन तक रहता है प्लांट पे और फ्लावर से धीमी धीमी सी खुशबू भी निकलता है। कटिंग से बहुत ही आसानी से ग्रो होने वाले प्लांट है। इसको आप 10 से 12 इंच के पॉट पे लगाते हो तो बहुत ही अच्छे से ये फ्लावरिंग करता है और क्योंकि ये समर सीजन वाले प्लांट है इसलिए इसको फुल सनलाइट बहुत ही ज़रूरी होता है। दोस्तों इस प्लांट को अगर आप ज़मीन पे लगाते हो तो 10 से 12 फीट तक लंबा हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा स्टेम निकलते हैं इसको। अगर आप इसको पॉट पे भी लगा सकते हो, अगर 12 इंच के पॉट पे लगाते हो तो ये 6 से 7 फीट तक लंबा हो सकता है और इसका जो स्टेम है बहुत ही सॉफ्ट स्टेम है और पूरे साल भर आप इसकी कटिंग लगा सकते हो। स्टेम कटिंग से बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है यूफोर्बिया मिली। ये जो प्लांट है इसमें कांटे होते हैं और फ्लावरिंग बहुत दिन तक रहता है प्लांट पे, बहुत सारे वेराइटीज़ पे आते हैं ये। मेरे पास सिर्फ पिंक वेराइटी है, इसके अलावा येलो, रेड और ग्रीन वेराइटी भी होते हैं इसका। पूरे साल भर फ्लावरिंग करने वाला एक प्लांट है, स्टेम से ये बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाते हैं। पूरे साल भर आप इसको स्टेम से ग्रो कर सकते हो। दोस्तों पॉट पे अगर आप लगाना चाहते हो तो 10 इंच के पॉट पे इसको लगाइए, तो 10 इंच के पॉट पे ही ये अच्छा खासा फ्लावरिंग करता है। दोस्तों क्योंकि ये रेगिस्तानी प्लांट है इसलिए इसको ज़्यादा वाटरिंग करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ता है, आप बस 2 से 3 दिन के अंतराल पर एक बार वाटरिंग कीजिए तो भी आपके प्लांट अच्छा खासा सर्वाइव करेगा। दोस्तों नेक्स्ट जो प्लांट है ये है एलामंडा। इसका बहुत सारे वेराइटीज़ होते हैं कलर का, येलो, रेड और वाइट, तीनों वेराइटी ही है मेरे पास। बहुत ही आसानी से कटिंग के थ्रू ग्रो होने वाले प्लांट है, पेस्ट फ्री प्लांट है, किसी प्रकार पेस्ट का अटैक नहीं होता है इस पर। 10 इंच के पॉट पे आप इसको लगा सकते हो, 10 इंच के पॉट पे ही ये अच्छा खासा फ्लावरिंग करता है। अप्रैल से लेकर अप टू नवंबर तक ये फ्लावरिंग करता है, फरवरी के एंड पे आप इसकी कटिंग करके लगा दो तो कटिंग से भी ये प्लांट बहुत ही अच्छे से ग्रो हो जाते हैं। दोस्तों समर सीजन वाले प्लांट है इसलिए इसको फुल सनलाइट पर रखना ज़रूरी है। दोस्तों नेक्स्ट जो प्लांट है इसे कहते हैं जरवेरा, बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावरिंग करने वाला एक प्लांट है। बहुत सारे कलर्स में आते हैं और बहुत सारे वेराइटीज़ में भी आते हैं ये प्लांट। नर्सरी से आप इसको खरीद सकते हो, 30 रुपये से लेकर 100 रुपये के बीच में मिल जाता है ये प्लांट। हालांकि किसी प्रकार तो खुशबू नहीं निकलता इस फ्लावर से, लेकिन ये जो फ्लावर है बहुत दिन तक रहता है प्लांट पे और एक प्लांट अगर आप लगा दो तो एक से बहुत सारे प्लांट बन जाता है कुछ दिनों के अंदर। तो इसलिए अगर आप इसको पॉट पे लगाते हो तो साल में एक बार इसको रिपोर्ट करना ज़रूरी है।
दोस्तों तेज गर्मी में फ्लावरिंग करने वाला एक प्लांट है, इसलिए इसको फुल सनलाइट पे आप इसको रख सकते हो, लेकिन इसको हर रोज वाटरिंग करना जरूरी है। दिन में एक बार आप इसको वाटरिंग कीजिए, लेकिन बहुत ही अच्छी तरीके से। बहुत ही पेस्ट फ्री प्लांट है, इसलिए किसी प्रकार पेस्ट का भी अटैक नहीं होता है। दोस्तों नेक्स्ट जो प्लांट है इसे कहते हैं रोज प्लांट, मतलब गुलाब के पौधे। हालांकि विंटर सीजन में तो बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग करता है, लेकिन आप अगर इसको थोड़ी सी देखभाल और थोड़ी सी केयर कर पाओ तो ये पूरे साल भर फ्लावरिंग कर सकता है। दोस्तों समर सीजन के दौरान इसको थोड़ी सी शेड एरिया पे रखिए और इसको वाटरिंग अच्छी तरीके से कीजिए दिन में दो बार, तो आपके प्लांट्स पे अच्छे खासे फ्लावरिंग होंगे पूरे साल भर। दोस्तों थोड़ा बहुत पेस्ट का अटैक होता है इसमें, इसके लिए आप रोगर इस्तेमाल कर सकते हो। कटिंग से बहुत ही आसानी से ग्रो होने वाले प्लांट है, जून के महीने में आप इसको कटिंग के थ्रू ग्रो कर सकते हो, या फिर फरवरी के महीने भी आप इसको कटिंग के थ्रू ग्रो कर सकते हो। खाद के रूप में आप इसको काउडंग दे सकते हो, या फिर आप रोज फूड का भी इस्तेमाल कर सकते हो महीने में एक बार। दोस्तों नेक्स्ट जो प्लांट है इसे कहते हैं सदाबहार, मतलब भिंका के एक प्लांट। बहुत सारे कलर्स में आते हैं ये, देसी वैरायटी और हाइब्रिड वैरायटी। देसी वैरायटी तो पूरे साल भर ही फ्लावरिंग करता है, लेकिन जो हाइब्रिड वैरायटी होते हैं वो समर्स के सीजन में फ्लावरिंग करता है। दोस्तों नर्सरी में हाइब्रिड वैरायटी को ₹5 पर पीस आपको मिल जाएगा, और जो देसी वैरायटी है वो ₹2 पर पीस आपको मिल सकता है। इसको ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं है, समर सीजन के दौरान इसको फुल सनलाइट पर रखिए। देसी वैरायटी को आप आपके गार्डन पे एक बार लगा दो तो उसके बाद आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हमेशा ये प्लांट आपके गार्डन को हरा भरा रखेगा। और अगर आप इसको हाइब्रिड वैरायटी से उगाना चाहते हो तो एक बार लगा के उसका जो सीड्स है आप इसको कलेक्ट कर लीजिए, तो नेक्स्ट ईयर आप सीड से बहुत सारे प्लांट्स बना सकते हो। दोस्तों नेक्स्ट जो प्लांट है इसे कहते हैं जैस्मिन, बहुत सारे वैरायटीज में मिलते हैं, लेकिन इसके कलर जो है वाइट कलर ही ज़्यादा नज़र पे आता है। कटिंग के थ्रू बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाते हैं। आप इसका 6 से 8 इंच का एक कटिंग ले लीजिए और इसको आप सिर्फ सैंड के अंदर लगा दीजिए, तो 40 दिन के अंदर इसका रूटिंग चालू हो जाएगा। दोस्तों जैस्मिन का जो फ्लावरिंग होता है इसके सभी वैरायटी में धीमी धीमी सी खुशबू निकलता है, और पूरे साल भर फ्लावरिंग करने वाला एक प्लांट है। आप इसको फुल सनलाइट पर भी रख सकते हो, दिन में एक बार वाटरिंग करना इसको जरूरी है। महीने में एक बार इस पे खाद जरूर इस्तेमाल कीजिए, खाद के रूप में आप मस्टर्ड के लिक्विड फर्टिलाइजर डाल सकते हो। फरवरी के एंड पे इसको प्रूनिंग कर दीजिए तो ये मार्च के एंड में इसका नया ग्रोथ चालू हो जाएगा, उसके साथ फ्लावरिंग भी चालू हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट जो प्लांट आप देख पा रहे हो इसे कहते हैं एडेनियम, रेगिस्तानी गुलाब भी कहा जाता है इसको। बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है, लो केयरिंग प्लांट है, पेस्ट का अटैक तो इसमें होता नहीं है। दोस्तों हफ्ते में 2 से 3 बार आप इसको वाटरिंग कर दो तो भी चलेगा इस समर सीजन के दौरान। कटिंग के थ्रू बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाते हैं, और सीड से भी ये आसानी से ग्रो हो जाने वाले प्लांट है। कटिंग आप इसको फरवरी के एंड पे लगा सकते हो, प्रूनिंग एक बार फरवरी के एंड में करना जरूरी है। इसके बाद इसमें नए नए से स्टेम निकलते हैं और उसके साथ फ्लावरिंग भी होता है। क्योंकि ये रेगिस्तानी प्लांट है इसलिए इसको फुल सनलाइट पर रखना जरूरी है। दोस्तों नेक्स्ट जो प्लांट है इग्जुरा के प्लांट, बहुत ही आसानी से कटिंग के थ्रू ग्रो होने जाने वाले प्लांट है। इसका आप कटिंग लगा सकते हो जून के महीने में, तो 40 दिन के अंदर इसका रूटिंग चालू हो जाएगा, उसके बाद आप इसको रिपोर्ट कर दीजिए। दोस्तों पूरे साल भर फ्लावरिंग करने वाला एक प्लांट है, गुच्छों के रूप में इसमें फ्लावरिंग होता है, बहुत सारे कलर्स के वैरायटी में भी आते हैं ये प्लांट। ₹30 में आसानी से नर्सरी पे मिल जाएगा ये प्लांट, और आप इसको 10 इंच के पॉट पे लगा सकते हो तो ये प्लांट अच्छा खासा फ्लावरिंग करेगा। नेक्स्ट जो प्लांट है इसे कहते हैं मैक्सिकन पिटूनिया, समर सीजन और बारिश के मौसम में अच्छे खासे फ्लावरिंग करता है। दोस्तों 5 या 7 रुपये पे आपको नर्सरी से मिल जाएगा ये प्लांट, बहुत ही लो केयरिंग प्लांट है, बहुत सारे मात्रा में फ्लावरिंग होते हैं समर सीजन और बारिश के मौसम में। तो एक प्लांट अगर आप लगा दो तो एक से बहुत सारे प्लांट बन जाते हैं, स्टेम कटिंग से भी ये प्लांट ग्रो हो जाते हैं आसानी से। तो इसे दिन में एक बार वाटरिंग करना ज़रूरी है, और इसको आप 10 इंच के पॉट पर भी लगा सकते हो। दोस्तों नेक्स्ट जो प्लांट है इसे कहते हैं चांदनी, सिंगल पेटल डबल पेटल और बहुत सारे कलर्स पे भी आते हैं ये, लेकिन इसके जो फ्लावर है इसमें खुशबू तो नहीं निकलता है, लेकिन जो फ्लावरिंग है देखने में बेहद खूबसूरत है। दोस्तों समर सीजन में फ्लावरिंग करने वाला एक प्लांट है, अप्रैल से लेकर अप टू अक्टूबर तक ये फ्लावरिंग करता है। इसके कटिंग के थ्रू भी ग्रो हो सकते हैं ये प्लांट, आप इसका कटिंग 6 इंच का लेके सिर्फ सैंड के अंदर लगा दो तो 40 से 45 दिन के अंदर इसका कटिंग लग जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट जो प्लांट है इसे कहते हैं मेंडीविला, थोड़ा कॉस्टली प्लांट है, इसका बहुत सारे वैरायटीज में आते हैं। ये जो व्हाइट वैरायटी है इसको मुझे मिला था ₹100 पे,
नर्सरी से, और इसका रेड और पिंक जो वेराइटी है ये 250-250 रुपये पे मिलते हैं। दोस्तों बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है, प्लास्ट पेस्ट का अटैक तो अभी तक हुआ नहीं है मेरे प्लांट पे। 10 इंच के पॉट पे आप इसको लगा सकते हो, लेकिन इसको थोड़ी सपोर्ट की ज़रूरत होता है। ये इसका जो स्टेम है बहुत ही हार्ड स्टेम होता नहीं है, और स्टेम कटिंग से भी ये प्लांट आसानी से ग्रो हो सकते हैं। जुलाई के महीने में आप इसका कटिंग लगा सकते हो, और क्योंकि ये समर सीजन वाले प्लांट है इसलिए आप इसको फुल सनलाइट पे रख सकते हो। दिन में एक बार इसको वाटरिंग करना जरूरी है। दोस्तों लास्ट जो प्लांट है ये है मेरे हिबिस्कस के प्लांट। बहुत सारे कलर्स के वैरायटी में आते हैं, ये सिंगल पेटल और डबल पेटल में भी आते हैं। मेरे पास शायद 8 या 10 वैरायटीज़ है। मेरा स्टेम कटिंग से बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाते हैं। फरवरी के एंड पे आप इसको प्रूनिंग करके उसका कटिंग आप लगा सकते हो, तो 30 से 35 दिन के अंदर इसके कटिंग लग जाता है। क्योंकि ये समर सीजन वाले प्लांट है इसलिए इसको फुल सनलाइट पे आप रख सकते हो, दिन में एक बार वाटरिंग कर सकते हो इसको। मार्च से लेकर आप टू नवंबर तक ये फ्लावरिंग करता है, लेकिन कुछ कुछ वेराइटीज़ है जो पूरे साल भर भी फ्लावरिंग कर सकते हैं। जमीन पे तो ये प्लांट बहुत ही अच्छे से ग्रो हो जाते हैं। जमीन पे अगर आप इसको लगाते हो तो 8 से 10 फीट तक लंबा होता है, लेकिन आप इसको पॉट पे भी ग्रो कर सकते हो। आप अगर इसको पॉट पे ग्रो करना चाहते हो तो 10 से 12 इंच के पॉट पे लगाइए, लेकिन साल में एक बार आपको रिपोर्ट करना जरूरी है अगर आप इसको अच्छे से फ्लावरिंग चाहते हो तो। तो दोस्तों ये तो था पूरे जानकारी, कुछ 15 प्लांट के बारे में मैं आप लोगों के साथ शेयर किया हूँ, 15 कॉमन प्लांट जो समर सीजन में अच्छे खासे फ्लावरिंग करता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद है तो जरूर इसको लाइक शेयर कीजिए, और अगर आपके मन में और भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट्स कीजिए, उसका आंसर मैं आप लोगों के साथ शेयर जरूर करूंगा। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना और अपना फैमिली का ख्याल रखिए। तो दोस्तों चलते हैं, बाय।